हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो बात करते हैं आज के रेस की तरफ, जो कि डेट है 25/2023 ऊटी एंड बैंगलोर रेस। तो मतलब डबल रेस है एंड बैंगलोर रेस का फर्स्ट मीटिंग है, नया सीज़न है, तो इसलिए सोच समझ के चांस लीजिए, क्योंकि ये जो बैंगलोर रेस का जो सीज़न है बहुत से ज़्यादा तक मुझे पता है कि अपसेट्स बहुत करते हैं, तो इसके लिए सोच समझ के चांस लीजिए। फर्स्ट मीटिंग है तो टोटल मतलब एट रेस का कार्ड है एंड बैंगलोर 7 रेस का कार्ड है। तो देखा जाए तो दोनों रेस का ठीक ठाक तो दिख रहे, बट कुछ कह नहीं सकते। रेसेस डबल रेसेस है, एक तो एक रेस मतलब ऊटी रेस मेरे ख्याल से सीधा रेस करेंगे एंड बैंगलोर रेस थोड़ा टफ जाएगा, तो इसके लिए सोच समझ के चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऊटी रेस की। ओके, ऊटी का फर्स्ट रेस है 80 बर्ड हैंडीकैप क्लास 4 1200 मीटर। ऊटी का फर्स्ट रेस का फर्स्ट चॉइस है 9 नंबर हॉर्स क्लाउड जंपर सी ए ब्रिसन फॉर विन प्लेस एंड सेकेंड चॉइस है 6 नंबर हॉर्स लिसन टू मी पी एस कविराज फॉर विन प्लेस। तो ऊटी का फर्स्ट रेस अच्छी रेस है, इसमें आप विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे दोनों ही पसंद है 9 एंड 6। तो चलते हैं हम ऊटी के सेकंड रेस में, द पार्सन वैली हैंडीकैप क्लास 4 1200 मीटर। ऊटी का सेकंड रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स जेनेटा सी उमेश फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स विंसर वॉक मोहित सिंह फॉर विन प्लेस। सो ऊटी का सेकंड रेस भी अच्छी है, मुझे दोनों ही पसंद है 2 एंड 1। अगर आपको जो भी बेस्ट लगे इसमें आप विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हैं हम ऊटी के थर्ड रेस में, द स्नूट हैंडीकैप क्लास 5 1300 मीटर। ऊटी का थर्ड रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर हॉर्स एयर मार्शल पी साई कुमार फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स सोनिया आइसलेस पी एस कविराज फॉर विन प्लेस। तो ऊटी का थर्ड रेस भी ठीक ठाक ही रेस है, क्योंकि इसमें पूरे सब घोड़े में मतलब यहाँ पे किसी का रन बेटर नहीं है, बट 1 एंड 3 यहाँ पे बेस्ट है मेरे हिसाब से। एयर मार्शल एंड सोनिया आइसलेस बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए दोनों घोड़े, तो अगर इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे इसमें आप विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हैं हम ऊटी के फोर्थ रेस में, द मैग्नोलिया हैंडीकैप डिवीजन 1 क्लास 3 1300 मीटर। ऊटी का फोर्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 5 नंबर हॉर्स सीनरो बियांका एस अमित फॉर इन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 10 नंबर हॉर्स एम्बर लाइटनिंग सा फरीद अंसारी फॉर इन प्लेस। तो ऊटी का फोर्थ रेस भी अच्छी रेस है, इसमें दोनों का मुझे दोनों ही पसंद है 5 एंड 10। अगर आपको जो भी पसंद है उसमें विनिंग प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे देखे जाए तो पूरे ऊटी रेस में मुझे फोर्थ रेस सबसे बेस्ट लग रहा है, तो इसके लिए मेरे सबसे मेरे लिए ठीक है 5 एंड 10, जो कि बेटर घोड़ा है पूरे दिन में। तो चलते हैं हम ऊटी के फिफ्थ रेस में, द मैग्नोलिया हैंडीकैप डिवीजन 2 क्लास 3 1200 मीटर। ऊटी का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स लेडी रॉयल सुमेश फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स फैबुलस शो एस अमित फॉर विन प्लेस। तो ऊटी का फिफ्थ रेस भी अच्छी रेस है, इसमें विनिंग आप प्लेसिंग का चांस दे सकते हैं, मुझे दोनों ही पसंद है 2 एंड 3। यहाँ पे 2 मेरे सबसे बहुत ही हॉट फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि मॉक रेस बढ़िया है 2 का, लेडी रॉयल सुमेश बैठा है, तो मेरे सबसे ईजी विन होना चाहिए 2 नंबर। तो चलते हैं ऊटी के सिक्स्थ रेस में, द एडमायरेशन हैंडीकैप डिवीजन 1 क्लास 2 1400 मीटर। सॉरी फॉर द ब्लर। ओके, ऊटी का सिक्स्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स विंडरमेयर श्रीकांत कामले फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स रूबी रोसा सी उमेश फॉर विन प्लेस। सो ऊटी का सिक्स्थ रेस मैं बोल सकता हूँ थोड़ा टफ है, यहाँ पे आपको जो भी बेस्ट लगे इसमें आप प्लेसिंग का चांस लेंगे तो बेटर होगा। तो चलते हैं हम ऊटी के सेवेंथ रेस में, द एडमायरेशन हैंडीकैप डिवीजन 2 क्लास 2 1400 मीटर। ऊटी का सेवेंथ रेस का फर्स्ट चॉइस है 3 नंबर हॉर्स कार्डिनियस श्रीकांत कामले फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 8 नंबर हॉर्स किंग्स वॉक मोहित सिंह फॉर विन प्लेस। ऊटी का सेवेंथ रेस भी ठीक ठाक है, इसमें आप विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो मुझे दोनों ही पसंद है 3 एंड 8। अगर आपको जो भी समझ में आता है तो विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम ऊटी के एथ रेस में, ऊटी का एथ एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द हार्बिंगर हैंडीकैप क्लास 1500 मीटर। ऊटी का एथ रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स सुप्रागी का पी साई कुमार फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 8 नंबर हॉर्स सिम्फनी इन स्टाइल बी दर्शन एंथोनी फॉर विन प्लेस। तो ऊटी का एथ रेस भी अच्छी रेस है, इसमें विनिंग प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं, मुझे दोनों ही पसंद है 2 एंड 8 सुप्रागी का एंड सिम्फनी इन स्टाइल।
और मेरे हिसाब से सिंपल इन स्टाइल बोर्ड नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलते हम उसी दिन के दूसरे रेस में जो कि बेंगलोर रेस है। टोटल 7 रेस का कार्ड है, तो सो समझ के चांस दीजिए। फर्स्ट मीटिंग है, बात करते हैं बेंगलोर की फर्स्ट रेस की। बेंगलोर का फर्स्ट रेस है द मे डे प्लेट क्लास 4 1400 मीटर। बेंगलोर का फर्स्ट रेस का फर्स्ट चॉइस है 3 नंबर हॉर्स ऑगस्ट पी ड्राइवर फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 2 नंबर हॉर्स थ्रूफेत ए इमरान खान फॉर विन प्लेस। सो बेंगलोर का फर्स्ट रेस देखे जाए तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट यहाँ पे प्लेसिंग का चांस लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट रेस है, फर्स्ट मीटिंग है, तो कुछ कह नहीं सकते। एंड अगर आपको जो समझ में आता है तो विनिंग के लिए, तो आप विनिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम बेंगलोर के सेकंड रेस में द काउसर प्लेट क्लास 4 1400 मीटर। बेंगलोर का सेकंड रेस का फर्स्ट चॉइस है 7 नंबर हॉर्स मेमोरियल टाइम एस सकलिन फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 9 नंबर हॉर्स एंटीलोप एन एस परमार फॉर विन प्लेस। सो बेंगलोर का सेकंड रेस यहाँ पे मुझे दोनों ही पसंद है, क्योंकि 7 लास्ट टाइम विन हो गया है, आई थिंक वापस रिपीट कर सकता है एस सकलिन के हाथों में, एंड 9 नंबर एंटीलोप लास्ट होना चाहे तो एन एस परमार बैठा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों घोड़े बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए 7 एंड 9। अगर आपको इसमें जो बेस्ट लगे उसमें आप विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम ऊटी के बेंगलोर के थर्ड रेस में द अकल टेक प्लेट क्लास 3 1200 मीटर। बेंगलोर का थर्ड रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स सीज करेजियस पी ड्राइवर फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 7 नंबर हॉर्स माउंटेलिना के जी लिखे तापू फॉर विन प्लेस। सो बेंगलोर का थर्ड रेस भी अच्छी है, यहाँ पे मुझे दोनों ही पसंद है 2 एंड 7। 2 देखे जाए तो और फेवरेट होना चाहिए, एंड 7 माउंटेलिना मतलब फॉर्म में है, तो मेरे हिसाब से बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए माउंटेलिना। तो इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे आप विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम बेंगलोर के फोर्थ रेस में द वेलकम ट्रॉफी डिवीजन 1 मेडन रेस 1200 मीटर। बेंगलोर का फोर्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर ऑफ फियरलेस जॉय किरण नायडू फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 7 नंबर ऑफ प्रीशियस आपे सिंह फॉर विन प्लेस। सो बेंगलोर का फोर्थ रेस मेरे सबसे थोड़ा टफ है, क्योंकि बच्चों की रेस है, यहाँ पे किसी का रन ठीक ठाक नहीं है, किसी का मतलब फर्स्ट रन है डेब्यूट रन है, तो इसलिए सोच समझ के चांस लीजिए, अगर समझ में आता है तो, नहीं तो वरना स्किप कर दीजिए। तो चलते हम बेंगलोर के फिफ्थ रेस में द रेसिंग पैट्रॉन्स ट्रॉफी क्लास 1 1200 मीटर। बेंगलोर का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 6 नंबर हॉर्स क्वींस टाउन के जी लिखे तापुर फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स मून्स ब्लेसिंग्स पी ट्रेवर फॉर विन प्लेस। तो बेंगलोर का फिफ्थ रेस ठीक ठाक रेस है, तो इसमें आप विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे दोनों ही पसंद है 6 एंड 5, मेरे सबसे बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए दोनों घोड़े क्वींस टाउन एंड मून्स ब्लेसिंग्स, तो इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम बेंगलोर के सिक्स्थ रेस में द वेलकम ट्रॉफी डिवीजन 2 मेडन रेस 1200 मीटर। बेंगलोर का सिक्स्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 8 नंबर हॉर्स सिराय विशाल एंड बुंडे फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 4 नंबर हॉर्स विवाल्डो अक्षय कुमार फॉर विन प्लेस। तो बेंगलोर का सिक्स्थ रेस मेरे सबसे अच्छी रेस है, तो मेरे सबसे दोनों घोड़े बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए 8 एंड 4 सिराय एंड विवाल्डा, मुझे दोनों ही पसंद है, तो इसलिए आपको जो भी बेस्ट लगे उसमें आप चांस ले सकते हैं विनिंग प्लेसिंग का। तो चलते हैं हम बेंगलोर के सेवेंथ एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे द कुनिगल स्टड प्लेट क्लास 3 1400 मीटर। बेंगलोर का सेवेंथ रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर हॉर्स आर्टिमिस इग्नेशिया एस 01 फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 10 नंबर हॉर्स ऑलवेज हैप्पी विवेक जी फॉर विन प्लेस। सो बेंगलोर का सेवेंथ रेस में बोल सकते हो यहाँ पे थोड़ा टफ है, यहाँ पे देखा जाए तो 1 नंबर आर्टिमिस इग्नेशिया बहुत ही बेटर दिख रहा है पूरे फील्ड में, बट कुछ कह नहीं सकते ये लास्ट रेस में बेंगलोर का। 10 नंबर ऑलवेज हैप्पी देखे जाए तो यहाँ पे मतलब आउट भागा है, बट डर्बी में भागा हुआ घोड़ा है, एंड क्लास डाउन करके हो रहा है, मतलब डायरेक्ट क्लास 3 में भाग रहा है विवेक जी बैठा हुआ है। बट सेवेंथ रेस जो कि मतलब यहाँ पे पूरा ओपन रेस से सेवेंथ रेस, इसलिए सोच समझ के चांस लीजिए, अगर समझ में आता है तो, नहीं तो वरना स्किप कर दीजिए। बट मेरे हिसाब से 1 नंबर आर्टिमिस इग्निशिया यहाँ पे बोर्ड छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा बेंगलोर एंड ऊटी रेस का सिलेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई रेस खेलने कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे दिन में आपको जो भी बेस्ट लगे वही रेस कीजिए, जो कि आप प्रॉफिट
हो सके। तो बेस्ट एंड गुड लक फॉर दी बैंगलोर एंड ऊटी रेस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।